तो यहाँ से इन इस पोर्शन को करने के हमारे पास दो ऑप्शन है, एक शेप के ज़रिए कर सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं टेबल के ज़रिए। अगर हम टेबल के ज़रिए करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये पूरा सेक्शन हम टेबल में बनाते हुए आ रहे हैं और इनको भी टेबल के ज़रिए ही करना चाह रहे हैं और नीचे वाला काम भी बिल्कुल टेबल के ही ज़रिए ही करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से हम कर सकते हैं और ये हमारे लिए किस तरह बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि जैसे ये वाला पोर्शन बनाना है तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं और यहाँ क्लिक करके सबसे पहले टेबल के ज़रिए अगर हमें इसको बनाना चाह रहे हैं तो इस पर यहाँ पर देखिए कि ये दो लाइंस लिखी हुई हैं और ये कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, इंसर्ट में जाके टेबल, और यहाँ पर तीन कॉलम्स उसके बना लेते हैं। अब तीन कॉलम्स तो हमने बना लिए, तो अब ये देख रहे हैं कि आप ये इसके अंदर फर्दर है, ये इसके अंदर फर्दर बना हुआ है, ये किस तरह पॉसिबल होगा। हाँ, अब ये आपको बताते हैं ये कैसे पॉसिबल होगा। अब ये तीन कॉलम बना लिए और इसके अंदर जाके हमने एक एंटर का बटन दबाया, ठीक है, और यहाँ से ऊपर आ गए, दोबारा एंटर का बटन दबाया, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद अब ये वाला पोर्शन हमें इसके अंदर बनाना है। अब इसके अंदर क्या है कि भाई बैंक कार्ड है और इस तरह की स्टेटमेंट वगैरह लिखी हुई है, तो यहाँ इंसर्ट में जाके हमने क्लिक किया एक और टेबल पर और यहाँ पे एक टेबल इस तरह का अंदर क्रिएट कर दिया। तो अब देखिए टेबल के अंदर बैंक टेबल कार्ड आ गया एक और इसको यहाँ पे क्लिक करके आपने लिखना है बैंक कोड, बैंक कोड ये बोल्ड है फॉन्ट यहाँ पे, तो क्लिक करके हम इसके फॉन्ट को फर्दर यहाँ से पूरे टेबल को ही सिलेक्ट करके अनबोल्ड कर देते हैं फॉन्ट को। यहाँ जाके हमने इसको अनबोल्ड कर दिया, तो बैंक कोड यहाँ आ गया, इस पर क्लिक करके अब हमने क्या लेना है, डिपॉजिट कोड लेना है, डिपॉजिट कोड, तो ये कॉपी नहीं हो सकता इसलिए मैं लिखा हूँ। अच्छा, नॉट द एप्लीकेशन जो भी टेक्स्ट है वो इसके बाहर लिखना है, तो बाहर वाले पोर्शन पे यानी कि जो एक्सटीरियर टेबल है इसका, इस पर आके नीचे यहाँ पर आपने नोट लगाना है और जो भी नोट आपने टाइप करना है नोट का फॉन्ट उससे भी छोटा है ये कंसिडर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम नोट को जो है सेलेक्ट कर लेते हैं और ये सेलेक्ट करके हमने नोट का जो फॉन्ट साइज़ है वो 9 पे कर दिया। अब नोट लिख के एंटर कर दे, नीचे आ जाए। अब एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी इंटरटेन, जो भी है एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी इंटरटेंट, ठीक है, तो आगे देखते हैं। विदाउट विदाउट ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप, डिपॉजिट स्लिप, ठीक है, और यहाँ पे जाके NTS पे क्लिक कर दिया, ठीक, यहाँ पे आ गया इस तरीके से। और यहाँ पे जाके आपने इसको थोड़ा सा आगे कर देना है कि इस तरीके से ये नज़र आ जाए ताकि पूरा का पूरा एरिया ये इसके अंदर कवर हो जाए। देखिए आगे करते, ठीक है, ये गैप रखना है हमें बीच में। उसके बाद ये वाला हिस्सा यूज़ करना है। अब इसमें भी क्या करना है आप समझ ही गए होंगे कि आपने इसके अंदर भी एक अदद एंटर दबाना है, नहीं एंटर तो ऑलरेडी दबा हुआ है तो, लेकिन यहाँ दबाना पड़ेगा एंटर क्योंकि इस एरिया को यूज़ करना है। इंसर्ट में जाके एक टेबल करना है और उस टेबल में आपने जो है क्या बनाना है, सपोज टू बी या टेबल जो बना रहे हैं उसके अंदर एक सेक्शन और दो उसके अंदर वो बनेंगे। तो यहाँ पर जाके एक इंसर्ट पर जाके हमने एक टेबल बनाया, टेबल के अंदर लिखना है और नीचे यस नो के दो ऑप्शन बनाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक और रो नीचे की तरफ क्रिएट कर देते हैं, इंसर्ट ब्लू करके, इंसर्ट ब्लू और नीचे करके उस रो को क्या लिखना है उसमें, यस नो के दो ऑप्शंस बनाने हैं। तो इसके अंदर हम चार ब्लॉक बना देते हैं, स्प्लिट सेल करके चार ब्लॉक बना देते हैं और ओके कर देते हैं। और इसमें एक में इंसर्ट में जाके हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ से इसके अंदर ये बॉक्स ऐड करा देते हैं और इसमें ये लिख देते हैं और इसमें हम जाके लिख देते हैं यस और इसमें हम जाके लिख देते हैं नो, ठीक है। अब फर्दर मोर हमें इसके अंदर क्या टाइप करना है, आर यू आर डिसेबल्ड पर्सन, तो आर यू आर डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है, तो ये हमने टाइप कर दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब उसके बाद इसको सेलेक्ट करके हमने थोड़ा सा क्या करना था कि गेप वगैरह इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे जाके इसके लेआउट में जाके हमारे पास ऑप्शन तो है, इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ठीक है, और इनको भी सेलेक्ट करके इनकी भी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर इनकी भी हाइट बढ़ गई और यहाँ पर सेलेक्ट करके इनको लेआउट में जाके सबको सेंटर कर देते हैं, ये रह गया, इसको भी सेंटर कर देते हैं, तो ऐसे नज़र आने लग जाएगा। और अब मर्जर इन्होंने जो बोल्ड कर रखा है ये वाला ऑप्शन को, तो अब सवाल ही पता होता है कि इसको बोल्ड कर देते हैं यहाँ पे और इसको भी यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ही वाला पोर्शन क्रिएट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आपने तो बना लिया लेकिन इसमें तो इस तरह से दिखाया गया है, अब ये कैसे हम करेंगे इसको। हाँ, इसका तरीका ये है कि देखिए बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके टेबल डिज़ाइन में जाके पहले इसको कर दें नो बॉर्डर, ये हमने पहले बॉर्डर के बारे में सीखा था, नो बॉर्डर कर दें और इसको क्लिक करके कर दें यहाँ से ऑल बॉर्डर, ये वाला बाहर वाला जो पॉइंट है इसका इसको कर दें यहाँ से ऑल बॉर्डर और इसको भी क्लिक करके यहाँ से कर दें ऑल बॉर्डर और ये देखें इस तरह से बन गया। अब रह गया इस वाले मामले का हिस्सा, तो इसको हम क्या करेंगे, देखें इस सबको सेलेक्ट करके हम पहले करेंगे नो बॉर्डर, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे हम नो बॉर्डर, तो ये बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा एक ब्लॉक बनाना है हमें, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर इस वाले हिस्से को सिलेक्ट करके हम कहेंगे पहले इसका चाहिए हमें एक लेफ़्ट बॉर्डर और फिर एक चाहिए इसका राइट बॉर्डर,
और एक चाहिए इसका बॉटम बॉर्डर, तो ये आ गया बॉटम बॉर्डर, तो ये देखिए ऊपर वाले बॉर्डर से ज्वाइन हो गया। अब आप इसका जब प्रिंट देखेंगे फाइल में जाके तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, यानी कि जब प्रिंट करेंगे तो ये जैसे बना हुआ था वैसा ही नज़र आएगा। देखा आपने, सही लग रहा है आपको? ठीक है, तो ये ऐसे होता है टेबल में अगर काम कर रहे हैं तो टेबल के काम को ऐसे करेंगे। बाकी इसकी जो विड्थ वगैरह है अगर आपको एक्सटेंड करनी है तो यहाँ से इसकी विड्थ को आप जितना चाहें, अभी आगे नहीं जा रहा तो हम इसको ऐसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये आगे नहीं जा पा रहा, इसको बढ़ा के देखते हैं। हो गया, सेट हो गया, ठीक है, इतना काफ़ी है, और कर लें इसको आगे। तो ये देखिए इस तरह से ये वाला पोर्शन बन गया, और क्लिक करके एंटर कर दें यहाँ पर, जो ये वाली लाइंस जो रह गई थी इनको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पर ले जाके इसको ईजिली पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट करने पर देखें बिल्कुल लाइन वैसे ही आपने टाइप कर देनी है, यहाँ टैब लगा के भी टाइप कर सकते हैं, और ये पूरी लाइन बोल्ड नहीं है तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो बोल्ड से चेक हटा के जिस एरिया को हमने बोल्ड करना है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, तो वो हिस्सा हमें बोल्ड के नज़र आएगा, और जो डिसेबल पर्सन वाला एरिया है उसको हमें रेड करना है तो यहाँ से रेड कर देंगे, और यहाँ से ले जाके फिर 11 पे रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ले जाके हमने इसको इस तरीके से कर दिया, और यहाँ पर ये हमारा डेटा इस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये वाला हिस्सा हमने देखे बड़े खूबसूरती के साथ कर लिया, और इसमें अब कोई डिफरेंस हमें नज़र नहीं आ रहा है कि ये कैसा बना हुआ था, और ये भी हमने बिल्कुल वैसा ही क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट है इसके नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉग बनेगा। तो याद रखें ये भी ऐसे ही क्रिएट होगा, कि इसके लिए भी आपने ये करना है कि पहले एक अदर एक गैप ले लेता हूँ और एक टेबल आपने क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो ये एक टेबल का सराउंडिंग बॉर्डर आ गया, इंटर करके नीचे आ जाए, एक और इंटर करें फिर यहाँ से ऊपर आ जाए। उसके बाद आपने देखें क्या करना है कि यहाँ पर यह तो इस तरह से लिखना ही है, ठीक है, ये तो हम लिख ही लेंगे इस तरीके से, इसका कोई इशू नहीं है। और अगर यहाँ नेम इन फुल है तो एक कॉलम, दूसरा कॉलम, और फिर यहाँ तीसरा कॉलम है आपका, और फिर फर्दर इसके अंदर आगे जो भी काम करना है वो हम करते चले जाएंगे। तो अब इसके अंदर एक पहले हम आपको समझाते हैं कि कैसे करना है। आपने एक रो आपने पहले बनाई इस टेबल के अंदर, ठीक है, उस रो के अंदर आपने फर्दर इसको लेआउट में जाके स्प्लिट किया तीन कॉलम्स के अंदर, तो यहाँ से तीन कॉलम्स में स्प्लिट हो गया, और यहाँ पर क्लिक करके दो फुल नेम और फुल नेम इन फुल लिखना है, तो 02 नेम इन फुल, तो यहाँ पे हमने नेम इन फुल लिख दिया, तो ये भी पूरा बोल्ड आ रहा है। तो हम इस टेबल को पूरा इनसाइड और आउटसाइड दोनों हिस्सों को सेलेक्ट करके होम में जाके इसको अनबोल्ड कर देते हैं। तो नेम इन फुल लिखने के बाद आपने इसके अंदर यहाँ पे जो टाइप का बनाने हैं कॉलम्स बनाने हैं, तो उसके बाद आपने देखा कि नेम इन फुल और ये आगे तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बॉक्स आपने बनाना। तो इन दोनों बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया, लेआउट में गया और उसको मैंने कर दिया मर्ज, और स्प्लिट सेल करके मैंने इसको 15 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये देखें इस तरह से बन गए। अब यहाँ पर एक बात हो सकती है कि भाई जैसे यहाँ पे गैप ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पे हमें कितना गैप रखना था, तो ये आइडियली देखें सबके गैप को इसने इक्वल रखा है, तो इस वजह से ये आपको इस तरह से बनाने पड़ेंगे। अगर गैप कम करना है तो फिर आप शुरू में थोड़ा सा पहले काम करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा कम कर लें यहाँ से, और फिर क्लिक करके स्प्लिट सेल करके 15 सेल्स में इसको इक्वल इक्वल डिवाइड कर दें, तो ये ऐसा बनेगा। अच्छा, उसके बाद आगे क्या करना है, इसके नीचे एक और ब्लू करना है, और ब्लू करने के बाद उसको इससे जुदा कर देना है, तो क्लिक करके स्प्लिट टेबल कर देना है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। और 3 में फादर्स नेम को ऐड करना है, तो अब आपने इसके अंदर जाके लिखना है 3 और यहाँ पे कॉलन लगा के, और फादर्स नेम को आपने इस तरह से टाइप कर देना है। तो जैसे ही फादर्स नेम टाइप करेंगे तो ऑलरेडी आपको 15 सेल्स मिल जाएंगे आगे, आपको ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आगे चलना है, तो फिर यानी कि अगर 100% पे देखें तो हमारा ब्लॉक का साइज़ अगर कम है तो आप उस ब्लॉक के साइज़ को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके दो तरीके हैं, या तो फॉन्ट साइज़ अपना थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, अभी 10 के फॉन्ट में चल रहे हैं तो इसको यहाँ से 11 और 12 कर दें तो ऑटोमेटिकली फॉन्ट का साइज़ बढ़ सकता है, ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रेटेजी, या फिर उसकी हाइट को थोड़ा बढ़ा लें तो भी इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो 12 हो गया। अब ये दरमियानी गैप को भी हम बाद में कम करेंगे, किस तरह से कम करते हैं देखिएगा। फिर यहाँ पे फर्दर NIC के लिए भी 15 ही सेल चाहिए यहाँ पर, तो फिर एक और इसका इंसर्ट ब्लो करेंगे, और इंसर्ट ब्लो करके और यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके स्प्लिट टेबल करेंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम क्या लिखना है हमें, नंबर 4 कैंडिडेट CNIC, नंबर 4 और कैंडिडेट CNIC हैश, ठीक है, ये लिख दिया आपने, और उसके बाद वही सेल आपको मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे आपको 15 सेल रिक्वायर्ड थे। हाँ, 2 डैश वगैरह ऐड करने हैं तो वो आप अपने हिसाब से जिस शहर का NIC उसके हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके नीचे चलते हैं, तो राइट योर CNIC नंबर भी इसके साथ लिखा हुआ है, और ये इसके साथ अगर हम करेंगे तो मसला होगा। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करते हैं, हमारे पास स्पेस तो मिलेगा नीचे, क्योंकि अभी हम नीचे जा रहे हैं, तो वहाँ पर इसको टाइप कर लेंगे।
अच्छा, अब जेंडर वाले हिस्से में आ गए। अब यहाँ पे मेल फीमेल का मामला है और ये कुछ देखिए, ये हमें मिल रहा है ना ऑप्शन, इसके साथ हमें इसको इस तरीके से करना पड़ेगा। तो हम इसके नीचे पहले एक रो ऐड करते हैं, तो इंसर्ट में जाके एक ब्लू रो करते हैं और उसको भी फिर यहाँ से इसको स्प्लिट टेबल कर देते हैं, ये इससे अलग हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो रो ऐड की है, अच्छा इसको मैं सोच रहा हूँ कि इसको इससे अलग ना करूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक तो लिखना है राइट योर सी एन आई सी नंबर, तो राइट योर सी एन आई सी नंबर, और फिर आगे जाके मुझे यहाँ पर इसके साथ ये डेट ऑफ मंथ और ईयर भी बनाना है। लेकिन उससे पहले मैं इसको अलग नहीं कर रहा, बल्कि इसके नीचे एक और ऐड करा रहा हूँ, एक और रो को, और उसको मैं जो है यहाँ से इसको अलग कर रहा हूँ। और अलग करने के बाद अब मैं उसमें लिख रहा हूँ 05 जेंडर, और उसमें एक में मेल फीमेल का जिक्र करना है, तो एक हिस्सा तो ये बनेगा और दूसरा 6 डेट ऑफ बर्थ का जिक्र करना है, जिसमें दो दो ब्लॉक्स इस तरह से बनाने हैं। अब ये कोई फर्दर नई चीज़ नहीं है, बस ये आपको समझना है कि ये कैसे बनेंगे, और ये बड़े आराम से बनेंगे, ये देखिएगा आप। ठीक है, तो कैसे क्रिएट होने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे सेल को सेलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं। मर्ज करके इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, टू कॉलम्स में, और यहाँ से ये टू कॉलम्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो टू कॉलम्स में जब ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपने क्या करना है कि इसको पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ये दो हिस्सों में करना है, यानी कि एक हाफ 50% पार्ट में लेना है, तो हम इसका 50% में ही कर लेंगे, ये सारा काम मेरा ख्याल है हो जाएगा। हाँ, सिर्फ 50% पे लिया, अगर थोड़ा सा पीछे भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं हम इसको, क्योंकि ये काम तो हमारा यहाँ पर है काफ़ी हिस्सा इसके लिए, तो बेहतर ये होगा कि इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं। तो ये इस तरीके से आपने कर लेना है। अब इसमें इसको फर्दर हमें कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, इसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तो स्प्लिट सेल करके इसको दो कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं। कॉलम में डिवाइड हो गया। अब एक हिस्से में तो हमें लिखना है, क्या लिखना है, 6 डेट ऑफ बर्थ, और फिर उसके अंदर वो जेंडर मेल फीमेल वगैरह भी पीछे की तरफ बनाने हैं। तो यहाँ पर हम इसको लेते हैं 05 और इस पर लिखते हैं कॉलन जेंडर, और यहाँ पे क्लिक करके जेंडर का कॉलन लगा देते हैं, और इसके अंदर फिर एक और ब्लॉक बना के मेल फीमेल लिखना है। तो फिर इसके अंदर थोड़ी सी गुंजाइश हमें ऐड करनी पड़ेगी, और उस गुंजाइश को ऐड करने के लिए फिर हम एक एंटर दबाते हैं, और एंटर दबा के यहाँ से एंटर दबाते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी गुंजाइश आ जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ को भी बाद में मैनेज करेंगे। अब इंसर्ट में जाके वही मेल फीमेल वाला बनाना है, तो ऊपर कहीं बनाया था हमने, नहीं बनाया, ठीक है। आई थिंक ये वाला बॉक्स हमारा काम में आ जाएगा जो हमने यहाँ बना रखा है मेल फीमेल वाला। तो ये इसको बॉक्स को यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके अंदर पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो पेस्ट हुआ सारा, बेड़ा गर्क कर दिया इसने इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर खुद से बना लेते हैं, क्योंकि ये पेस्ट वगैरह वाला मामला इस पर बैठ नहीं रहा है। या तो ठीक है, एक काम और भी हो सकता है, क्योंकि हम इसके अंदर ब्लॉक के अंदर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अंडू कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा अंडू कर लिया, कंट्रोल वाई करके रीडू करते हैं, बैक स्पेस करते हैं। तो ये जेंडर लिखा आ रहा है, जेंडर के अंदर एक ब्लॉक दिखाना है और उसके अंदर मेल फीमेल दिखाना है, और जेंडर पे बॉर्डर नहीं देना है। तो इसको स्प्लिट करते हैं दो हिस्सों में मज़ीद, यहाँ से लेआउट में जाके स्प्लिट सेल और टू कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर मेल फीमेल दिखाना है और उसका ब्लॉक भी दिखाना है, ठीक है। तो अब इंसर्ट में जाके यहाँ पे एक लगाते हैं ये वाला, उसको मेल लगा देते हैं, और इसके बाद एक स्पेस देके, दो स्पेस देके यहाँ एक और लगाते हैं और उसको फीमेल दिखा देते हैं। बस ठीक है, यही करना था और ये हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब दिखाना क्या है, हटाना क्या है, वो तो अभी हम देखेंगे कि क्या हटाना है क्या दिखाना है। 12 के फॉन्ट्स में चल रहा है। अब चलते हैं आगे वाले हिस्से में, तो 6 में डेट ऑफ बर्थ दिखाना है, तो 6 लिख दिया हमने यहाँ पर, और इसमें दिखा रहा है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ गया। अब इस 6 वाले को अलाइनमेंट में राइट अलाइन करेंगे, ताकि ये इस साइड पर नज़र आए, थोड़ा गैप पीछे से मेंटेन रहे, और थोड़ा सा इसको पीछे ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वाला मामला बनाना है, तो अब डेट ऑफ बर्थ वाला जो मामला यहाँ पे क्रिएट होगा, तो उसके अंदर देखें कि भाई दो डीडी मंथ और ईयर के 4 ब्लॉक लिए हुए हैं, बीच में डिशेज भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो हम इसको ऐसे काउंट करते हैं। अगर बिल्कुल ऐसा ही बनाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ब्लॉक हमें इसके अंदर टोटल क्रिएट करने हैं। तो स्प्लिट सेल करके अब जैसे ही इसके अंदर 15 ब्लॉक एंटर करेंगे, तो ये 15 ब्लॉक इस तरह से बनेंगे। अब इन 15 ब्लॉक्स के अंदर हमें कुछ को छोटा करना है, कुछ को बड़ा करना है, वो कैसे करेंगे ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए कि गैप जहाँ पर रखा है इन्होंने, तो वो एक के बाद एक में गैप रखा है, ठीक है। तो एक ब्लॉक तो बनेगा ऐसा, और उसके बाद इसको थोड़ा सा आप यहाँ से थोड़ा और जूम करके इस तरह से आगे करेंगे, तो अब ये इसके बीच का स्पेस तो हो नहीं पा रहा, तो इसको फॉन्ट साइज़ को कम करके देखते हैं, लेकिन इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसमें फिर हमने क्या करना है कि इसके मज़ीद तो कोई इसमें ऑप्शन है नहीं, स्पेसिंग वगैरह भी इसकी
नॉर्मली हुई हुई है और इससे ज़्यादा हम इसको कम कर नहीं सकते क्योंकि एडजस्टेबल है, तो इसको अनडू कर लेते हैं। तो इसको हम फिर दूसरे तरीके से बनाते हैं, और उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर 2 डेट के 2 मंथ के 4 ईयर के कॉलम ले लेते हैं। तो फिर कितने हो गए ये, 4, 2, 6, 2, 8, इसको दूसरे मोड में डाल देते हैं। तो यहाँ स्प्लिट सेल करके यहाँ पे 8 कॉलम्स पे हम इसको डिवाइड करते हैं, तो कॉलम का साइज़ भी सेट रहेगा और ये कुछ इस तरह से भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर ये जब इस तरह से बन जाएगा तो हमारे पास ऊपर जो हमने छोड़ा था राइट कोड वाला, तो उसमें भी देखें कुछ इस तरह का मामला इसी के ऊपर आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिर डिस्प्ले कर देंगे डेट, डी 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 एंड डी, मंथ मंथ और ईयर के लिए 4 ब्लॉक चाहिए थे। अब ये वाला जो मामला है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो ये इसके हिसाब से फ़िक्स नहीं हो पा रहा। अच्छा, अब ये इसके हिसाब से फ़िक्स नहीं हो पा रहा, उसकी भी एक रीज़न है, सही है बिल्कुल, ये फ़िक्स नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये वाला ब्लॉक और ये वाले ब्लॉक में फ़र्क है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके नीचे एक और रो ऐड करा लेते हैं, और ये वाला जो मामला है हमारा, इसको शिफ्ट कर देते हैं, हम इस वाले को कॉपी करके कट करके यहाँ से इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी अब तो हो जाएगा ना, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं डी एंड डी एंड मंथ के लिए एम एंड वाई के लिए ईयर एंड ईयर एंड ईयर एंड ईयर, ठीक है। तो ये 4 ब्लॉक्स हमने इसमें डाल दिए। अब ये जो सिचुएशन है इसको यहाँ से अब कर देते हैं कट, और इसको रख देते हैं यहाँ के साथ पेस्ट, ठीक है। अभी भी सेट आपको लग रहा है, यहाँ पे क्लिक करके इस रो को हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट, और ये इस तरह से लग रहा है। लेकिन अब ये तो उसके साथ दिखाई देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, और इनके बीच का गेप कम होना चाहिए था। कोई बात नहीं, गेप को कम करने के लिए यहाँ पर आप अपना जो फ़ॉन्ट साइज़ है यहाँ से इसको आप कम कर सकते हैं, जिससे ये इसके मच मोर क्लोज़र हो जाएगा, और फ़ॉन्ट को थोड़ा सा और कम कर देंगे, जैसे 10 पे रख देंगे। और इसमें आप अगर 12 पे रख के एक ये सुपर स्क्रिप्ट की भी टेक्निक को यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, जिससे फ़ॉन्ट को कुछ इस तरह से दिखाया जा सकता है। तो ये देखिए इस तरह से ये मामला आ जाएगा, बाद में हम इसके बॉर्डर्स को मैनेज कर लेंगे। अब रही गया रैमर 7 एड्रेस, जिस पे इस तरह का डेटा डालना है। अब ये भी टेबल के अंदर ही डिस्कस किया जाना है, तो देखें फर्दर अभी इसके अंदर क्योंकि टाइप करना है, तो हम इसको लेके चलते हैं 7 एड्रेस। एक और ऐड करते हैं, इसको इंसर्ट करके ब्लो करते हैं, और यहाँ से इसको स्प्लिट कर देते हैं टेबल से, और यहाँ पर आके हमने 7 पर एड्रेस लिख लेना है 07, और यहाँ से एड्रेस हमें लिखना है एड्रेस, और एड्रेस के साथ हमें जो है इस पर टाइप करने के लिए एक फर्दर ब्लॉक भी चाहिए, जिसमें ये टाइप किया जा सके पूरा का पूरा। तो ये हमने पूरा सेलेक्ट करके यहाँ से इसको हमने कर दिया मर्ज। तो जैसे ही हमने इसको मर्ज किया, तो जैसे ही हमने लेआउट में जाके इसको मर्ज किया यहाँ से, तो ये पूरा एड्रेस का ब्लॉक बन गया। लेकिन ये आपने देखा कि ये बिल्कुल इसके क्लोज़ है, तो इसे क्लोज़ कर दें यहाँ पे, ठीक है। अब ये पूरा लाइन हमें मिलेगी, अभी इसको लाइन कैसे बनाएंगे इसको भी देख लेते हैं। और उसके नीचे फिर हमें ये वाला टेक्स्ट लिखना है। मैं ये टेक्स्ट नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको इसके नीचे वाला बना के बता रहा हूँ कि ये टेक्स्ट लिख लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है। तो ये टेक्स्ट आप लिखेंगे कैसे, इस पूरे को ऐड करेंगे रो को और उसको मर्ज कर देंगे इसमें, वही सब स्क्रिप्ट करके, जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा था ये वाला राइट, तो वो टेक्स्ट भी आप इसमें सबस्क्रिप्ट करके लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, और इसको फिर पूरा लिखने के बाद ऐसे सेलेक्ट करके और इसको कर देना है सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ से जैसे सबस्क्रिप्ट करेंगे तो ये इससे छोटा छोटा नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। ये पूरा लिख लीजिएगा, यहाँ तक ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे फिर एक और लेआउट में जाके इंसर्ट ब्लू करना है, और एक और रो ऐड करानी है। उसमें फिर आपने करना है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5 ब्लॉक बनाने हैं। तो इसको फिर स्प्लिट टेबल कर देना है, और इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, स्प्लिट सेल, और 5 कॉलम्स में इसको डिवाइड करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आके आपने वही सुपर स्क्रिप्ट को ख़त्म कर देना, उसमें स्क्रिप्ट कंटिन्यू रहेगा, वरना स्क्रिप्ट को यहाँ से हमें जाके ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको मिलेगा सिटी डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर हमने ले लिया सिटी, और यहाँ पे ले लिया हमने डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हमने इसको क्लिक करके थोड़ा सा, अच्छा रोल नंबर वो यहाँ लिखेगा, ठीक है। तो सिटी इधर आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट इधर आ जाएगा, तो ये इस तरह से बनेगा। और फिर इसके नीचे फर्दर हमने इंसर्ट में जाके ब्लो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाके 8 में फ़ोन नंबर्स और मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं 08 फ़ोन नंबर, और
और यहाँ पे जाके सेलेक्ट करके मोबाइल, ठीक है, तो मोबाइल नंबर के लिए अगला ब्लॉक आ गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये इस तरह से आपको बन जाएगा। उसके बाद भी यही वाला सही जो है आपने ऐड कराना है, और बाकी ये फिर आपने करना है। मैं ज़रा इसको फॉर्मेट करके बता रहा हूँ क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वैसे ही चली आ रही हैं जैसे कि आपको ऊपर मैंने सिखाई हैं, ठीक है। तो ये पूरा ब्लॉक एक बन जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं थोड़ा फॉर्मेट करके बताऊँ जो ऊपर हमने इसको फॉर्मेट कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर जाके कंट्रोल के साथ हमने होम के साथ इसकी फॉन्ट की बताई थी, कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट को थोड़ा फॉन्ट साइज़ को कम करना है। अब यहाँ पर हम फॉन्ट जो रखने वाले हैं 4 का डिस्टेंस पे सेट रहेगा। अब आप यहाँ क्लिक करें, फॉन्ट को यहाँ पर डायरेक्टली 4 पे सेट करें और ये देखिए इस तरह से। अगर फर्दर कम करना है फॉन्ट को तो और भी कम किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ ये सही है, 4 का साइज़ सही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये सही था, बस इसके अंदर थोड़ा सा इसका जो हाइट तो कम होगी नहीं, फर्दर इसकी हाइट इतनी ही रहने वाली है। और इसमें हम यहाँ पर क्लिक करके होम में जाके लेआउट में जाके 0 है, होम में भी 0 है, लाइन स्पेस भी 1 है, तो 1 कर दें ताकि थोड़ा स्पेस और कम हो जाए और ये ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला भी 4 का डिस्टेंस पे ही दिखा देते हैं। तो ये 4 फॉन्ट साइज़ को हमने कम करके यहाँ पे इनके डिस्टेंस को कम कर लेना है ताकि डिस्टेंस एक जैसा आपको नज़र आए यहाँ पर और यहाँ पर। और इसका फॉन्ट का जो साइज़ रहेगा वो तो आप कम ही रखेंगे, तो इसके भी यहाँ पर जाके लाइन स्पेसिंग को 1 कर लीजिएगा ताकि इसका भी थोड़ा सा ब्लॉक कम हो जाए और इससे कम ये हो नहीं पाएगा। उसके बाद इसके नीचे वाले का भी जो डिस्टेंस है होम में जाके जितने अलग अलग टुकड़ों में आपने बनाया उसका 4 रखना है ताकि डिस्टेंस कम रहे। और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको एड्रेस वाले को कैसे शो करना है, सिटी वाले को कैसे शो करना है, अभी इसके बारे में आपको बता देते हैं। सिटी और एड्रेस ये सब एक ही साथ आ रहा था तो इसलिए मोबाइल नंबर वाले को भी दिख लेते हैं। अब ये दिखाएंगे कैसे, देखिए जो भार वाला टेबल है उसको तो इन्होंने देखें थोड़ा सा आपको ऐसे दिखाया है कि यहाँ पे थोड़ा मोटा कलर का बॉर्डर दे दिया है इन्होंने। तो ये मोटा वाला बॉर्डर कैसे दिया जाएगा इसको, तो यहाँ क्लिक करके भार वाले टेबल पे यहाँ से जाएंगे हम डिज़ाइन में, बॉर्डर्स एंड शेडिंग में, और यहाँ पर जाके कस्टम कर लेते हैं बॉर्डर को और बॉर्डर चूज़ कर लेते हैं। और यहाँ से बॉर्डर का जो थिकनेस है वो सेट करके आउटसाइड वाले पार्ट पर 4 साइड पर ये लगा देते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा बॉर्डर ऑटोमेटिकली मोटा हो जाएगा। अब रह गया कि भाई ये सर ये कैसे ख़त्म होगा और ये कैसे आएगा, वही सिंपल है कि आप इसको पहले ऐसे सेलेक्ट करें, टेबल डिज़ाइन में जाके पहले इसको करें नो बॉर्डर, फिर इस वाले पोर्शन को सेलेक्ट करें और फिर इस वाले पोर्शन को सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर दें और ये इस तरह सेलेक्ट करके, अब ये भी साथ साथ सेलेक्ट हो रहा है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो ये देखिए अब सेट हो गया, तो यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दें। अब ये मोटा बॉर्डर क्यों आ रहा है ये जहन में रखिएगा, क्योंकि आपने एक दफ़ा जो डिफ़ाइन किया था ऊपर जाके दोबारा चेंज करना होगा, तो यहाँ पे थिकनेस थी उसकी 1 पॉइंट के ऊपर, तो ये बारीक रख के इसको एक दफ़ा ओके कर दें तो ये पतला वाला बॉर्डर आ जाएगा। अब इसका एक तरीका ये ऑलरेडी बॉर्डर तो है ही इसके ऊपर, तो उसको पहले इस हिस्से को नो बॉर्डर कर दें और ये आखिरी वाला बॉर्डर जो ख़राब हो गया इसको ऑल बॉर्डर कर दें, ठीक है। तो ये ज़रा आसान रहेगा नो बॉर्डर और इस वाले पोर्शन को रख के ऑल बॉर्डर, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा झंझट या मसला नहीं होगा। अब इस वाले पूरे पोर्शन को सेलेक्ट करके इस तरीके से आप पहले कर देंगे इसको नो बॉर्डर, ठीक है। और जब इसको नो बॉर्डर कर देंगे तो फिर इस वाले पोर्शन को आपने क्या करना है, इस वाले दोनों पोर्शन को सेलेक्ट करके पहले करना है आपने नो बॉर्डर और फिर इस पोर्शन को सेलेक्ट करके करना है ऑल बॉर्डर, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक बन जाएगा और फिर इस वाले पोर्शन को क्लिक करके आपने कहना है नो बॉर्डर। अच्छा, अब यहाँ जब नो बॉर्डर करेंगे फिर इसका बॉर्डर खत्म हो जाएगा, फिर से इसको ऑल बॉर्डर कर दीजिएगा और इस वाले पोर्शन को भी क्लिक करके आप कहेंगे ऑल बॉर्डर, ठीक है। आ गया इस तरीके से। और अब आ जाए इसको इस तरीके से एड्रेस वाले पोर्शन को कैसे करना है, पहले इसको करना है नो बॉर्डर, ठीक है। तो जब यहाँ नो बॉर्डर करेंगे तो यहाँ पर भी आपने आगे करना है नो बॉर्डर, तो जैसे ही नो बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा लेकिन नीचे वाला बॉर्डर रहेगा। अब वो नीचे वाले को भी अगर हम यहाँ जाके कहेंगे नो बॉर्डर तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करके आपने कहना है बॉटम बॉर्डर, तो ये बॉटम बॉर्डर जब लगाएंगे तो इसे इस पर एक लाइन लग जाएगी और एड्रेस इस तरह से पूरा का पूरा टाइप करने की लाइन मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आएंगे तो वो रोल नंबर यहाँ टाइप करेगा। अब रोल नंबर टाइप करने के लिए उसने इस तरीके से लाइंस दी हुई हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर करेंगे नो बॉर्डर, तो जैसे ही बॉटम ख़त्म हो जाएगा बॉर्डर तो फिर यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इन सबको ही सेलेक्ट करके पहले आप कर दें नो बॉर्डर। तो जैसे ही नो बॉर्डर करेंगे बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा, इस पर क्लिक करके फिर आप देंगे बॉटम बॉर्डर और यहाँ पे क्लिक करके फिर आप देंगे एक बॉटम बॉर्डर, फिर यहाँ पर क्लिक करके एक देंगे आप बॉटम बॉर्डर और फिर यहाँ पर एक क्लिक करके देंगे आप बॉटम बॉर्डर, तो फिर यहाँ पर आप क्लिक करके देंगे। अच्छा, अब यहाँ बॉटम बॉर्डर देंगे तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि इन ऐसी सिचुएशन में कि हम जब यहाँ बॉटम बॉर्डर देते हैं तो दोबारा से फिर नीचे देना पड़ेगा, फिर ये भी काम आपका यहाँ पे होगा, बॉटम बॉर्डर देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखें आपका जो टेबल का जो एरिया है वो बड़ा ज़बरदस्त सा बन गया है। अब ये कैसा नज़र आ रहा है देखिए, जैसा कि आपने तो डिज़ाइन किया था
बिल्कुल वैसा ही नज़र आ रहा है ये देखिए। तो अब ये प्रिंट प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसा ही नज़र आ रहा है जैसा नज़र। हाँ, इनके ऊपर वाले बॉर्डर्स ख़त्म हो गए थे, तो अभी इनको दोबारा से सेलेक्ट करके इन सारे को एक दफ़ा फिर से टेबल डिज़ाइन में जाके बॉटम बॉर्डर दे दें। तो देखिए, इस टेक्निक के ज़रिए जब आप इस चीज़ को क्रिएट करेंगे तो बिल्कुल ये टेबल के हिसाब से बनेगा। इसमें आप टाइप भी कर सकते हैं, जैसे मैं अपना टाइप करके ऑनलाइन फॉर्म किसी का भर भी सकता हूँ, मिटा के किसी दूसरे का भी भर सकता हूँ, तो इसमें हमें ये एडवांटेज मिल जाता है। और अगर शेप से बनाएंगे तो उसमें थोड़ी दिक्कत होगी, आपको शेप्स आगे पीछे मूव हो जाते हैं, टेबल के अंदर डेटा अरेंज रहता है बेहतर तरीके से। तो होपफुली आपने इसके अंदर कुछ टिक्स और टेक्निक सीखी होंगी जिसमें आपने इसको सीखा कि किस तरीके से हम बेहतर तरीके से बना सकते हैं। हालांकि मेरे पास काफ़ी सारा पेज है, ये देखिए इतना पेज मौजूद है और मेरे पास अब काम भी कम बचा है, थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं इसको यहाँ छोड़ रहा हूँ। आप इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे तो ये पूरा एक ही पेज पर आ जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। फॉन्ट साइज़ भी आप देख लें और सारी चीज़ों को नोट कर लें। अगर शेप में देखो मुश्किल होगी तो मैं बाद में मैनेज करने में, भले तुम एक दफ़ा शेप में बना के देख लो और एक दफ़ा इसको टेबल में बना के देख लो। तो